गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करम विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है स्क्रीन पे, चलो देखिए बोर्ड पे क्या है क्वेश्चन। दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है आपके पास। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ना इसका वर्ग कर रहा है ना इसका क्यूब कर रहा है, तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसको सोल्व करना है। तो चलिए क्या करेंगे, पहले तो आप मान लो, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। ओके, तो अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो देखो इसमें 6 का भाग जा रहा है, कितने का भाग जा रहा है, 6 का, तो b बराबर 6 मान के करना पड़ेगा। तो b बराबर 6 के लिए, कितने के लिए, b बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6q+r, a बराबर 6q+r होगा, है ना। 6 का भाग देंगे, q बार पूरा भाग गया, r से इस पर आया, और r भी क्या होगा, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 6 से छोटा होगा, जहाँ ये r की वैल्यू होगी, ये आपको लिखना है। r की वैल्यू 0 से लेके और 6 से छोटी, अर्थात r के क्या क्या मान आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोटे छोटे ये पूर्णांक हो जाएंगे। ओके, ठीक है, अब कैसे लेते हैं, जब r बराबर 0 है तो a बराबर क्या होगा भाई, 6q+0 अर्थात 6q। ये कैसा है, ये तो सम हो गया, किसी संख्या को 6 से गुणा करेंगे तो कैसी संख्या आएगी, सम संख्या, है ना, तो ठीक है। दूसरा केस, जब r बराबर 1 है तो a बराबर आएगा 6q+1, 6q में 1 जोड़ेंगे तो कैसी संख्या आएगी, विषम आएगी। ओके, तीसरा केस, जब r बराबर 2 है तो a बराबर 6q+2, ये कैसा आएगा, ये सम हो जाएगा। चौथा केस, जब r बराबर 3 है तो a बराबर 6q+3, ये कैसा होगा, ये अगली संख्या विषम होगी। नंबर 5, जब r बराबर 4 है तो a बराबर कितना होगा बच्चों, 6q+4, तो a बराबर आएगा 6q+4, ये कैसा होगा, ये सम होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 6, जब r बराबर 5 है तो, जब r बराबर 5 है तो a बराबर आएगा 6q+5, वो कैसा होगा, विषम, ठीक है भाई। अब ये देखना है कि भाई ये पूर्णांक सम कब हुआ, इसमें सम हो गया, ये भी सम है और ये भी सम है, तो हमने तो पूर्णांक को क्या माना है, विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक जब ये होगा तब देखो ये किस किस रूप में आया है, एक तो 6q+1 के रूप में आया, विषम है तो, एक 6q+3 के रूप में आया, एक 6q+5 के रूप में आया, है ना। जब इसको a को धनात्मक विषम पूर्णांक मान के चलेंगे तो बच्चों ये किस किस रूप में आ रहा है, ये आ रहा है 6q+1 के रूप में, 6q+3 के रूप में और 6q+5 के रूप में। ये जो 6q आ रहा है ये तो सम संख्या हो गया, इसका मतलब कि ये सम धनात्मक पूर्णांक है, जबकि ये है क्या, एक्चुअल में हम इसको विषम ले रहे हैं ना, तो ये वाला केस तो हम लेंगे ही नहीं, ये वाला केस भी नहीं लेंगे, ये वाला केस भी नहीं लेंगे, हम नंबर 1, नंबर 3 और नंबर
नंबर एक नहीं, नंबर दो, नंबर चार और नंबर छः, ये वाला केस लेंगे तो हम लिख सकते हैं अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में ही होता है, के रूप में ही होता है। ठीक है भाई, ये सिद्ध हो गया है, ये सिद्ध हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, चेंज हो गया मेथड। निम्न संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मैसे ज्ञात करो। HCF ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि से आपको इनका मैसे पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई यूक्लिड विभाजन विधि मैंने आपको पहले लेक्चर में, जो कि फर्स्ट क्लास मैंने इस एक्सरसाइज की ली थी, उसमें इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि जब दो संख्याएं दी गई हों उनका मैसे पे ज्ञात करना हो तो यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। बड़ी संख्या को ए मानते हैं, भाज्य मानते हैं, और छोटी संख्या को भाजक मानते हैं। ठीक है, इसको चरणबद्ध तरीके से इसको सरल करेंगे तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सोल्व करते हैं इसको चरणबद्ध तरीके से। पहले हम सबसे पहले लिखेंगे चरण एक ओके। पूर्णांक 210 ग्रेटर देन है 55 से। ठीक है, तो मतलब कि ये तो क्या होगा, भाज्य, इसको तो क्या मान लेंगे ए और इसको क्या मान लेंगे बी। ठीक है, तो अतः मान लेते हैं ए बराबर हो गया बड़ी संख्या को 210 और बी बराबर हो गया 55। ठीक है, ए बराबर 210 व बी बराबर 55 हो गया है। अब 210 में 55 का भाग देंगे, मैं रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ। 210 में इसमें किसका भाग देंगे, 55 का। 55 का भाग दो बच्चों कितनी बार जाएगा, 5 × 15, 5 × 20, लगभग 3 बार जाएगा। 5 × 15 = 1, 5 × 15 = 16, 165 बच गए, 10 में से 5 गए तो 5, ये बच गया 10 में 6 गए तो 4, 45 बच गया, 45 में भाग जाता नहीं है। तो ये तो आ गया भागफल, है ना, ये आ गया इसका शेषफल। शेषफल 45 है, 55 से छोटा ही होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में, इस रूप में लिखना इसको, a बराबर bq प्लस r। b कितना है, 55, a कितना है, 210, a 210 है, b 55 है, शेषफल कितना आया, q कितनी बार भाग गया, 3 बार भाग गया, प्लस r कितना आया, 45 आया। लिख दिया इस तरह से, 210 में 55 का भाग 3 बार तो पूरा पूरा चला जाता है और 45 शेषफल बचता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि शेषफल 45 इज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः अभी इसका मैसे पे नहीं निकलेगा, अभी इसका मैसे पे नहीं निकलेगा। मैसे पे कब निकलेगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा तब। तो हमें फिर आगे करना है इसको, अतः अब हम शेषफल को तो मान लेंगे भाजक, है ना, और जिस जो भाजित जो पहले जो भाजक था ना उसको भाज्य मान लेंगे। अतः 55 व 45 से अतः 55 व 45 से पुनः देखो बच्चों, पहले 55 इसमें भाजक था, अब वो भाज्य बन जाएगा और शेषफल जो आया अपना 45 वो क्या बन जाएगा, अब भाजक बन जाएगा। ठीक है, अतः यहाँ पे ऐसे लिख देना, भाजक 55 व भाज्य 45 से, भाज्य 45 के लिए 45 से। अब आएगा चरण नंबर दो। ठीक है भाई, 55 में कितने का भाग देंगे, 45 का। अब 55 में 45 का भाग एक बार जाएगा, 45 एकम 45, 0 एक 10 शेषफल। ये शेषफल कितना बच गया, 10, और भागफल कितना आया, एक आया। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, 55 बराबर ए है ना, ये अब ए हो गया, ये बी हो गया, 45 × 1 + 10, इस तरह से आ गया।
ओके, इस तरह से लिख सकते हैं चरण दो को, यहाँ पे ये हो गया। चूंकि शेषफल शेषफल r बराबर, यानी कि r जो है वो 10 है, वो 0 के बराबर नहीं आया। शेषफल r बराबर 0 नहीं है, शेषफल r बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। अतः पुनः अब दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी है, यूक्लिड विभाजन विधि लगानी है। किसके लिए? हमने अब 45 को भाज्य मानना है और शेषफल को भाजक मानना है। अतः भाजक 45, भाजक 45 भाज्य, अतः यहाँ पर भी ये भाज्य था, ये भाज्य 45 व भाजक, भाजक 55 ये हो गया। अतः इसमें भी क्या आएगा, अब ये भाज्य हो जाएगा, भाज्य 45 व भाजक 10 हो जाता है, 10 हो जाता है। तो चरण नंबर 3 बन जाएगा अब, चरण 3। ठीक है भाई, देखो चरण 3 क्या होगा, हमें 45 में 10 का भाग देना है। किसमें? 45 में 10 का भाग देना है, 10 का भाग दो, 10 चौक 40, शेषफल कितना बच गया 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, 45 बराबर 10 गुना 4 प्लस 5, शेषफल कितना आया, शेषफल आया 5। चूँकि शेषफल चलो आगे लिखेंगे, इसको उधर लिख रहा हूँ मैं, चूँकि शेषफल, इसका जो शेषफल आया 5, ये नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं आया। अतः पुनः क्या करेंगे, अब हम 10 को मान लेंगे भाज्य और 5 को भाजक। अतः भाजक ना, ये भाज्य 10 व भाजक 5 मानने पर, 5 मानने पर चरण नंबर 4 बन जाएगा। आपको 10 में भाग देना है, कितने का, 5 का। तो बच्चों दो बार पूरा भाग चला गया, शेषफल कितना बचेगा, 0। तो 10 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इस स्थिति में शेषफल बराबर 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अतः 210 व 55 का मैसेप है, 210 व 55 का मैसेप है, क्या होगा, अब जो लास्ट में आपने जो भाजक माना था, जो लास्ट में आपने भाजक माना था, जिसके लिए शेषफल का मान 0 आया, वो क्या बन जाएगा 5। अतः 210 व 55 का मैसेप है 5 होगा। ठीक है भाई, ये आंसर है, समझ लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें दो संख्याएं आपको दी गई हैं, बड़ी वाली संख्या को ए मान लेंगे, छोटी वाली को बी। बड़ी वाली संख्या में इसका भाग देंगे, ये भाज्य है ये भाजक है, भाग देने पे पूरा भाग 3 बार गया और शेषफल 45 बच गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा, तब तक आप ये प्रोसेस, ये चरण बार बार रिपीट करते रहेंगे, और जब शेषफल 0 आ जाएगा तब रुक जाना। और उस स्थिति में आपने लास्ट में किसका भाग दिया था, लास्ट में किसको भाजक माना था, वही संख्या इन दोनों संख्याओं की क्या कहलाएगी, मैसेप। ठीक है, वही इन दोनों का मैसेप कहलाएगा। ये कौन सी विधि से मैसेप ज्ञात किया हमने, ये ज्ञात किया यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, 135, 225 दो संख्याएं हैं आपको दे रखी। ठीक है, अब इसमें से एक किसको मानेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसको भाज्य मानेंगे, ए मानेंगे, जो छोटी संख्या है उसको भाजक लेके चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे चरण नंबर 1, भाज्य 225 व भाजक 135 लेने पर यूक्लिड विभाजन विधि से ओके बच्चों, देखो भाग दो, 225 में
135 का भाग एक बार जाएगा, 135 एकम 135 होता है, 135 दूनी 270 होते हैं, तो कि छोटी संख्या हो गई ये वाली, है ना। 0, 12 में से 3 गया तो 90 बच गया आपके पास, कितना बच गया 90। 90 इससे छोटा है तो ये क्या होगा, ये शेषफल है, ये शेषफल है, ये भागफल है। ओके ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन विधि से हम क्या लिखेंगे, 225 बराबर, यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a का मान हो गया 225 बराबर b का मान कितना है 135, कितनी बार भाग गया एक बार, r शेषफल कितना बचा इसका 90 बच गया, ऐसे लिख लेंगे। इसमें देखो चूंकि जो शेषफल आया वो शेषफल 90 आया वो 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः अब भाज्य और भागफल बदल जाएंगे, इसको तो भाज्य मानेंगे और इसको भागफल मानेंगे, अतः पुनः 135 व 90 के लिए, अतः पुनः क्या मानूंगा मैं, भाज्य 135 व भाजक 90 के लिए यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से चरण नंबर दो हो जाएगा, किस किस का भाग दे रहे हैं, 135 में भाग दे रहे हैं 90 का, कितने का 90 का, 90 एकम 90, 5 बच गया, 13 बच गए 4, 45 शेषफल बचा इसका, तो हो जाएगा 135 बराबर 90 गुना 1, एक बार पूरा भाग गया और शेषफल आया 45, शेषफल 45 आया, क्या 45 शेषफल 0 के बराबर आया, नहीं आया ना, हम लिखेंगे शेषफल 45 इज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः पुनः आपको क्या मानना पड़ेगा, दोबारा से इसको करना है, भाज्य 90 व भाजक 45 के लिए, भाज्य 90 व भाजक 45 के लिए आपको लिखना है चरण नंबर तीन, चलो इसको मिटाते हैं यहाँ से, चरण नंबर तीन इसका ये होगा कि भाई आपको 90 में 45 का भाग देना है, तो भाई 45 एकम 45, 45 दूनी 90 और शेषफल आ गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर हो गया 45 गुना 2 प्लस 0, ये आ गया। इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः संख्या, कौन कौन सी संख्या दी थी आपने शुरू में, संख्या 225 व 135 का, 135 का मै से पे लास्ट में किसका भाग दिया आपने, लास्ट में भाग दिया 45 का, तो यही इसका मै से पे होगा 45 होगा, इसका मै से पे कितना होगा 45 होगा। ओके बच्चों, तो ये यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मै से पे ज्ञात करने का तरीका है, मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, इसमें सारे क्वेश्चन इसी विधि से ऐसे ही सोल्व होंगे, चरणबद्ध चरण करते रहिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला सवाल ये रहा बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन है, यदि संख्या 408 व 1032 के मैसे पे को 1032 गुना एक्स माइनस 408 गुना 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान निकालो, इस x का मान ज्ञात करना है, यानी कि पहले तो आपको वही करना है 408 और 1032 का मैसे पे निकालना है, फिर उस मैसे पे को इसके बराबर रखना है, इसके बराबर रख के फिर समीकरण को सरल करके x का मान निकालना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अट्टा है, पहले आप मैसे पे निकालो, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखो चूंकि 408 व 1032 में a बराबर 1032 व b बराबर 408 है, क्यों है, क्योंकि बड़ी संख्या 1032 है और छोटी संख्या 408 है, तो बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे a और बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे b, ठीक है। ओके, चरण एक
ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, 1032 में भाग दीजिए 408 का। आपको मैसे पे ज्ञात करना है पहले, जैसे अभी सवाल किया उसकी तरह ही मैसे पे ज्ञात करूँ। 4 × 8 लगभग 2 बज जाएगा, 8 × 2 = 16, असल 1 और 4 × 2 = 8, 12 में 6 गए 6, 2 में से 1 गए 1, 216 बच गया, ठीक है, इससे सफल हो गया। अतः चरण एक में क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे भाजक, भाजक 408 व भाज्य, भाज्य कौन सा संख्या है, बड़ी संख्या 1032, 32 के लिए यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से ये हो जाएगा 1032 बराबर 408 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, और शेषफल कितना आया 216, ठीक है भाई। ये आपकी इक्वेशन भी लिख सकते हो आप, चरण एक से पहले इक्वेशन आई। अब आप चरण दो यहाँ से शुरू करिए भाई, चरण दो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में शेषफल 216 जीरो के बराबर नहीं है, अतः पुनः भाजक, अब आप भाजक किसको लेंगे, 408 को, सॉरी भाजक लेंगे 216 को, वह भाज्य 408 8 से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। अब आपको भाग देना है किसमें, 408 में भाग देना है शेषफल का, 216 एकम 216, 8 में से 6 गए तो 2 बच गए, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, इतना ही बचेगा, है ना, इतना बचेगा 192, ये शेषफल आया। अतः तो हमने क्या लिखा, 408 बराबर हो गया 216 एक बार भाग गया और 192 शेषफल, ये आपकी समीकरण नंबर दो हो गई। अब आप चरण तीन लिखेंगे, क्योंकि अभी भी शेषफल जीरो नहीं आया है, हम लिखेंगे समीकरण दो में 192 इज नॉट इक्वल टू जीरो, अतः आपको क्या करना है, इसको भाज्य और इसको भाजक मानना है। अतः भाज्य 216 व भाजक 192 के लिए, भाज्य 216 व भाजक 192 के लिए, इसको मिटाता हूँ इधर मैं, तो भाई आपको 216 में भाग देना है 192 का, 192 का भाग देंगे 216 में तो कितनी बार जाएगा, 192 एकम 192, यहाँ पे 6 में से 2 गए तो 8 बच गया, और भाई इधर बच गया कितना, 11 में से 2 गया तो 2 28 बच गया, कितना बच गया 28 बच गया, ठीक है, शेषफल 28 आ गया। तो हम लिखेंगे 216 बराबर 192 × 1 + 28, अभी भी शेषफल जीरो नहीं आया, ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो जाएगी भाई, थर्ड इक्वेशन हो गई। चलो चरण चार, अभी हम लिखेंगे चरण चार, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण तीन में 28 इज नॉट इक्वल टू जीरो, अतः 28 को तो क्या मानेंगे, भाजक, अतः भाजक 28 व भाज्य किसको मानेंगे, 192, भाज्य 192 के लिए, भाई 192 में मैं भाग दे लेता हूँ पहले 28 का, 9 × 9 = 72, 9 × 72 = 72, असल 7 × 9 = 18, ओहो नहीं जा रहा, तो भाई 8 × 39 = 48 8 × 32 8 × 56 = 64, इसमें भाग जा रहा है, कोई गलती तो नहीं होगी, शुरू से चेक करो ना एक बार, संख्या क्या थी अपनी, संख्या थी अपने पास
408, 1032, 1032 में 408 का भाग दिया, 216 शेष फल आ गया, ओके। 408 में 216 का भाग देंगे, 192 शेष फल आ गया, ओके। 192 में 192 का भाग देंगे तो इधर बचना चाहिए, ये 24 बचना चाहिए, इधर गलत आ गया। ये कितना आएगा बच्चों, ये 24 आना चाहिए, ठीक है ना, 24 आएगा ये, ठीक है। तो 24 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 24 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो 24 का भाग देंगे 192 में, तो भाई ये हो जाएगा ना 4 6 का 24, 7 4 28, 5 6 20, 6 6 24, 8 6 32, 8 पर चला जाएगा, 160, 8 पर भाग दे के देखो, 8 6 32, 8 3, 8 2 16 और 3 19, इस पर कितने बार भाग चला गया भाई, 24 का भाग 192 में 8 बार, तो हम लिखेंगे 192 बराबर 24 का भाग गया 8 बार और शेष फल कितना आया, जीरो जीरो। अब लिख देंगे अतः शेष फल, ये समीकरण नंबर है 4, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में शेष फल, समीकरण 4 में क्या शेष फल बराबर जीरो प्राप्त हुआ, जीरो प्राप्त हुआ, अतः मैसेप है, किस किस का मैसेप है, इनका, अतः 408 व 1032 का मैसेप बराबर कितना होगा, जिसका लास्ट में आपने भाग दिया, बराबर 24 है, बराबर कितना है 24 है, ओके। इसको नोट करिए, अब आगे का देखिए क्या करते हैं, इसको नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये मैसे ज्ञात हुआ, अभी तो क्या ज्ञात हुआ है, आधा ही हुआ है। अब ये कह रहा है कि मैसे पे किसके बराबर है, इसके बराबर है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मैसे पे, मैसे पे यानी कि HCF बराबर कितना आया है क्वेश्चन में, 1032x माइनस 408 गुना 5 ये आया, तो मैं इसको HCF की जगह 24 लिख दूंगा, बराबर 1032x माइनस 408 गुना 5, ठीक है। इसको भाई गुणा करो तो 24 बराबर 1032 गुना एक्स माइनस, इसको गुणा कर लो, 8 5 40, का 0 असल 4, 4 का 4 5 24, ठीक है। ये इधर आके पक्षांतर होकर इधर जुड़ जाएगा, 2040 प्लस 24 बराबर 1032 इंटू एक्स, ठीक है भाई जोड़ो, 4 का 4, 4 और 2 6, 0 और 2 2064 बराबर 1032 इंटू एक्स, 1032 का भी भाग दे दो, 2034 में 1032 का भाग दे दो, 1 2 2 2 32 2 64, तो यहाँ से आ रहा है x बराबर कितना आ रहा है बच्चों, दिख रहा है आपको, देखते हैं एक बार, x बराबर ये आया 2064 बटे 1032 बराबर x, तो दो बार भाग गया तो x बराबर कितना आ गया, 2, यही आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x का मान पूछा है, कैसे किया आपने, पहले 408 और 1032 का यूक्लिड विभाजन विधि से मैसे पे ज्ञात किया, मैसे पे कितना आया 24 आया, और 24 मैसे पे किसके बराबर रखना है, ये मैसे पे इसके बराबर रखना है, ये एक समीकरण हो गई, एक चर वाली रैखिक समीकरण, एक चर वाली रैखिक समीकरण को सरल करते 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 उसमें चर x का मान निकाल लिया है, ओके बच्चों। इस तरह से आपके आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट होती है, अगले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, खुद करें और औरों से भी करवाएं, तथा हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू।